हम आप डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट वन। उस यूनिट वन में आज हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के नंबर चार की, गॉल्जी बॉडी कहते हैं, या इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसको गॉल्जी ऑपरेटस कहते हैं। इसका एक कॉमन सरनेम है गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी ऑपरेटस। ये ऑर्गेन है, डिफरेंस ऑर्गेन हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में भरा होता है। अब थोड़ी इसकी बात करें तो उसके कुछ और भी नाम होते हैं, इसको लाइपोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी बॉडी, कई नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर इसकी बात करें स्टार्टिंग में, तो करीब 1867 ईस्वी में, 1867 में साइंटिस्ट थे जॉर्ज। उस जॉर्ज साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इसको देखा था। इन्होंने आपके बारे में, इसको गॉल्जी बॉडी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, देखा था, तब उसका नाम लाइपोकॉन्ड्रिया उन्होंने रखा था। बाद में करीब साइंटिस्ट आए हमारे 1898 में, काफ़ी सालों बाद, कैमेलियो गॉल्जी, उनका नाम था कैमेलियो गॉल्जी। और कैमेलियो गॉल्जी ने क्या बताया कि इन्होंने इसका पूरा डिटेल स्टडी किया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी ऑपरेटस या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके नाम पे रखा गया कैमेलियो गॉल्जी का। ठीक है, अब आगे बात करें तो इसमें कैमेलियो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लें हम लोग, कि गॉल्जी ऑपरेटस बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जितनी बैक्टीरिया, वायरस, राइफ, सब में ये नहीं पाया जाता, सिर्फ पाया जाता है। और ये मैक्सिमम एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, लेकिन अगर ये प्लांट सेल में ये होता है तो इसका नाम कुछ और होता है, वहाँ गॉल्जी बॉडी नहीं कहते, वहाँ डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम इज द राइट वर्ड जब हम प्लांट की बात करते हैं तो। और उसके साथ साथ अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो हर सेल में, प्रत्येक सेल में 10 से 20 आपके गॉल्जी ऑपरेटस होते हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर दूसरी हेडिंग स्ट्रक्चर है तो उसका स्ट्रक्चर में इसको देखो, तीन चीजें से मिलकर बना होता है। इसमें एक फ्लैट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं। कुछ गोले गोले आपको भाग दिख रहे हैं, इसको वेसिकल्स कहते हैं। और ऊपर की ओर जो भाग दिख रहा है उसको वैक्यूल्स कहते हैं। दिस इज द वैक्यूल्स, यानी इसको गॉल्जियन वैक्यूल्स, गॉल्जियन सिस्टर्नी एंड गॉल्जियन वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला वाला पार्ट हमारा है सिस्टर्नी, जो फ्लैट स्ट्रक्चर है। दूसरा वाला पार्ट है हमारा गोला स्ट्रक्चर, वेसिकल्स, और कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। अब आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस है ये इस तरह से स्ट्रक्चर फ्लैट है, थोड़ा सा कर्व है, उसे स्टर्निंग है, वो थोड़ा सा कर्व है, मुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं वो सीधा है। तो जब आप कर्व है तो ये ऊपर वाले हिस्से को कॉनकेव कहते हैं, ये आपको पता होगा। yes. और इस वाले हिस्से को कॉन्वेक्स कहते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन कॉनकेव और कौन कॉन्वेक्स, तो आप ये आखिरी केव मतलब गुफा होता है, केव मतलब गुफा, और गुफा ऐसे होता है ना, इसके अंदर आप घुसते हैं तो गुफा मतलब घुसते, जहां पे गड्ढा दिखे वो गुफा है। तो अब इधर गड्ढा दिख रहा है, ऊपर गड्ढा दिख रहा है, तो इसलिए कॉनकेव ऊपर होगा, कॉन्वेक्स नीचे होगा। अक्सर लोग भूल जाते हैं उत्तल अवतल, तो हिंदी मुझे भी नहीं पता, लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन होता है। तो जिधर गड्ढा दिखे वो कॉनकेव और जिधर उभार दिखे वो कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव सर्फेस है और ये कॉन्वेक्स सर्फेस। अगर यही मैं इसको ऐसे उल्टा बनाता, किसी किसी बुक में उल्टा बना, तो अब ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स, किसी बुक में उल्टा भी है, मैं हम लोग उल्टा बनवाएंगे उसके क्लास में आपको। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये ऊपर वाला सरफेस कॉनकेव और नीचे वाला सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स। जो ये कॉन्वेक्स है उसी को एफ फेज बोलते हैं। एफ फेज मतलब फॉर्मेशन फेज, यानी कि आपके जो बनने का फॉर्मेशन होता है वो यही शुरू होता है। एफ फेज मतलब फॉर्मेशन फेज, और इसी फॉर्मेशन फेज को सिस फेज भी कहा जाता है। बस याद रखिएगा, जो नीचे वाला कॉन्वेक्स फेज है इसे कॉन्वेक्स फेज को फॉर्मेशन फेज और सिस फेज भी कहते हैं। ऊपर वाला कॉनकेव फेज है, कॉनकेव फेज को एम फेज यानी मैच्योरेशन फेज, परिपक्व हो रहा है यहाँ पे, एंड द ट्रांस फेज, इसको ट्रांस फेज भी कहते हैं। सिस फेज, ट्रांस फेज, एफ फेज, एम फेज, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये वर्ड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसके गॉल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर में ये सिंपल से पार्ट हो गया। उसके बाद कुछ वेसिकल्स जो होते हैं गोले गोले, नीचे भी है ऊपर भी। ठीक है, जो नीचे वाले वेसिकल्स हैं वो हमारे बेसिकली मैच्योरेशन फेज में है, नीचे वाले वेसिकल जो है वो फॉर्मेशन फेज में है, यानी आप फॉर्मेशन का वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से मैच्योर होकर बाहर निकलता है। ठीक है, और कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ ऊपर, किसकी तरफ पाए जाते हैं वैक्यूल्स? वैक्यूल्स हमेशा होते हैं ट्रांस फेज की तरफ, या हम कह सकते हैं कि एम फेज की तरफ। और वैक्यूल्स का फॉर्म काम क्या होता है, जिनकी फूड मटेरियल बन गया उसको स्टोर करते हैं बड़े अमाउंट में, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बात कर लें और प्रॉपर्टीज की बात कर लें, फंक्शंस की बात कर लें। तो गॉल्जी ऑपरेटस का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन देखो, ये जो पैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये पैकेट्स में क्या करते हैं, ये लिपिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनको स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपके घर में एक कोठरी होती है, पुराने जमाने में कोठरी कहते थे हम लोग, आज स्टोर रूम कहते हैं। उस स्टोर रूम में क्या होता है, जैसे अगर आप राशन पानी पूरे साल में खरीद लेते हैं, गेहूँ आपने खरीद लिया, चावल आपने खरीद लिया, दाल आपने खरीद लिया, तो स्टोर रूम रखते हैं।
और अपने किचन में लिमिटेड 1-2 किलो निकाल के ले जाती है। जब वो 2 किलो खत्म हो जाता है तो फिर आप कोठरी में जाते हैं, डिब्बे में भर के 1-2 किलो फिर ले आते हैं। तो क्या हो रहा है, ये हमारी बॉडी का कोठरी है, ये हमारे सेल्फ कोठरी है, यानी कि स्टोर हाउस रूम है। कैसे कि जो ये पैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, इस पैकेट्स के अंदर मटेरियल स्टोर है। किसी में लिपिड स्टोर है, किसी में फैट स्टोर है, किसी में प्रोटीन स्टोर है, किसी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, किसी में एंजाइम स्टोर है, किसी में हार्मोन स्टोर है। और जैसे जैसे सेल्फ काम करता है, ये एक एक पैकेट उठा के ले जाता है और अपना काम करता है। यानी पैकेट का निर्माण यहाँ हो रहा है, इसी तरह देखो फॉर्मेशन फेज, यहाँ पे पैकेट्स का निर्माण हो रहा है और यहाँ से पैकेट पूरा पक्का होकर यानी मैच्योर होकर यहाँ से निकल रहा है। यानी इस फेज से निकलता है, इस फेज से बनता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस फेज से क्या हो रहा है, बन रहा है, इस फेज से निकल रहा है और निकल कहाँ जा रहा है, सेल्स में और सेल के बाकी ऑर्गेन में जहाँ पे उसको काम है। तो अब इसका ये मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन। पहला तो सिक्रीशन, जितने भी मटेरियल होते हैं उन सबका सिक्रीशन करना इसका मेन फंक्शन है। उसके साथ साथ अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है कि दूसरी चीज सप्लाई कर रहा है सभी ऑर्गन्स को, सेल को पैकेट सप्लाई कर रहा है मटेरियल का, इसलिए इसको एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक्सपोर्ट हाउस मतलब कि जो निर्यात करता है, ठीक है ना, तो निर्यात करना जो बाहर निकालता है, तो इसको एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल। और इसके साथ एक खास तौर है कि जब ये सेल डिवीजन होता है, तो आपने पढ़ा होगा जब सेल डिवीजन होता है तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और फिर बीच में पतली सी लेयर बनती है, फिर यहीं से ब्रेकेज होता है, टूटता है। तो जो पतली सी लेयर होती है ये बनती है हेमी सेलुलोज की, और ये हेमी सेलुलोज की जो लेयर बनती है इसको निकाल बनाता कौन है, गॉल्जी बॉडी। यानी गॉल्जी बॉडी का थोड़ा सा रोल साइटो यानी कैरियर के हमारे सेल डिवीजन में भी होता है, क्योंकि ये हेमी सेलुलोज का फॉर्मेशन करेगा जिससे सेल डिवीजन होता है। ये हमारा हो गया सिंपल सा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको लिखते हैं फिर दूसरा स्टडी करते हैं।